हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप जानते हैं आईपीएल के 16वें सीजन की शुरुआत हो गई है, जहां पहला मैच गुजरात वर्सेस चेन्नई सुपर किंग के बीच खेला गया, जहां टॉस जीतकर हार्दिक पांड्या ने बॉलिंग का फैसला किया। चेन्नई की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और कोनवे ने शुरुआत की। कोनवे कुछ खास नहीं कर सके और तीसरे ही ओवर में समी को अपना विकेट दे बैठे, जिसको समी ने बोल्ड कर उसकी किलियां बिखेर दी। इसके बाद मोइन अली और ऋतुराज गायकवाड़ ने संभल कर खेलते हुए कुछ अच्छे शॉट लगाए। मोइन अली ने कुछ अच्छे छक्के का प्रदर्शन करते हुए 4 ओवर में 29 रन बनाए, परंतु रन बनाने के चक्कर में राशिद को अपना विकेट दे बैठे। इसके बाद बैटिंग करने के लिए आए बेंच स्टोक भी कुछ खास नहीं कर सके और वो अपना जल्दी विकेट दे बैठे। इसी बीच गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा किया और 92 रन की पारी खेली। सीएम दुबे और धोनी ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाते हुए 179 रन का टारगेट गुजरात टाइटंस को दिया। इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ अच्छे शॉट्स का प्रदर्शन किया। गुजरात टाइटंस की ओर से शाह और सुमन गिल ने अच्छी शुरुआत की। उन दोनों ने संभल कर खेलते हुए पहले ओवर में अच्छे शॉट लगाए और दूसरे ओवर तक स्कोर बोर्ड को 18 रन के पार पहुंचा दिया। इसके शाह अपना विकेट दे बैठे। सुदर्शन और गिल ने संभल कर खेलते हुए स्कोर बोर्ड को आगे चलाया और 79 रन तक स्कोर बोर्ड को पहुंचा दिया। 9 ओवर के बाद सुदर्शन ने कुछ अच्छे शॉट लगाते हुए इधर सुमन गिल ने अपना अर्धशतक भी कंप्लीट कर लिया, पर लेकिन कुछ देर बाद वह 63 रन की पारी खेलकर चलते बने। इसके बाद बैटिंग करने शंकर ने कुछ अच्छे शॉट लगाए, पर लेकिन शंकर भी जल्दी टिक ना सके और थोड़ी देर बाद वह भी चलते बने। राशिद और तेवतिया ने मिलकर अच्छे शॉट लगाते हुए मैच को अपनी झोली में डाल लिया। इसी मैच के साथ उनकी पहली हेड मैच की शुरुआत भी हो गई है जीतने की।